मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। और उसके बेस से एक क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है भाई, सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है भैया, तो हमें इसको सोल्व करना है। देखो, जब होमोजीनियस मेथड में क्या होता है कि भाई हम किसे बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि भाई ऊपर घात कितनी है, प्रत्येक टर्म की 2 घात है, और नीचे प्रत्येक टर्म की कितनी घात है, 2 घात है ना। तो हम क्या करते हैं, पुट वाई बराबर वी एक्स पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे, पुट y बराबर वी एक्स। ये कौन से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या पुट करते हैं, y बराबर वी एक्स हम पुट करते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं। तो dy वाई अपॉन डी एक्स करेंगे बराबर d अपॉन डी एक्स वी एक्स। तो इसका आवकलन कैसे करेंगे, dv वी अपॉन डी एक्स, एक्स को कॉन्स्टेंट मान लो, प्लस फिर एक्स का करेंगे वी को कॉन्स्टेंट, डी एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी, या वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स भी बोल देते हैं इसको ज़्यादातर। पहले ऐसे लिखते हैं इसको, है ना। क्लियर? तो इसको हमने नाम दे दिया 2, और इस पूरे सेट को हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या नाम दे दिया, ए। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये यहाँ पर रख देंगे, और वाई की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, वी एक्स। वाई की जगह हम पुट क्या करेंगे, वी एक्स पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स समीकरण नंबर ए में। तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स की, वाई की जगह क्या रखेंगे, वी एक्स प्लस वी एक्स का स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? बराबर देखो, एक्स ऊपर है और ये एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आएगा, और नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर। ये ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और ये नीचे से काट देंगे। देखो ऐसे ले लेते हैं, 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया भाई हमारे पास 3v प्लस वी स्क्वायर। देखो इधर तो 3v है और इधर 1v है ना, तो ये कितने हो गए, 2v बचेंगे अपने पास, कितने बचेंगे, 2v। तो यहाँ लिख लो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 2v प्लस वी। देखो ये v इधर लेके आएंगे तो माइनस का रहेगा, और 3v में से 1v घटेगा तो कितना बचेगा, 2v बचेगा। तो देखो ये इतना बच गया, ये इसको ऐसे लिख लो v और 2 प्लस वी लिख लेंगे ना इसे। अब क्या करना है हमें, हाँ भाई, अब हम क्या करेंगे कि देखो भाई हम यहाँ पर देखो 3 हो रहा है, देखो यहाँ पर ये 3। क्लियर? तो ऐसे कहीं घटेगा नहीं, तो ये 3v और अपॉन में क्या है, ये 3, ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये माइनस का वी आएगा, माइनस का वी। क्लियर? देखो 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 है और माइनस का वी। एक बार और लिख देता हूँ मैं इसको ऐसे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस का वी।
ये देखो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो इधर जाएगा 3v प्लस वी स्क्वायर और ये माइनस का 3v अपॉन 3, 3v से 3v कैंसिल आउट हो गया है ना, 3v से 3v यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं हम। दिस इंप्लाइज एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी स्क्वायर अपॉन 3। तो दिस इंप्लाइज देखो भाई, अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यहाँ लगा सकते हैं, चरों का पृथककरण क्या कर सकते हैं हम, चरों को पृथक कर सकते हैं। यहाँ पर चर कौन कौन से, एक तो वी है और एक एक्स है। तो देखो वी के पास मैं वी स्क्वायर को ले आता हूँ, डी वी के पास मैं किसको ले आता हूँ, वी स्क्वायर को, और एक्स वाले टर्म एक तरफ ले आता हूँ। तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर, डी वी में किसका भाग लगा दिया हमने, वी स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दिया, और डी एक्स को मैं इधर ले आया, और किसका एक्स का यहाँ डिवाइड कर देंगे, 3x कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ लिख देना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्लियर यहाँ तक? इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ। दिस इम्प्लाइज अब अगला स्टेप क्या है हमारा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने का, डी वी अपॉन वी स्क्वायर बराबर डी एक्स अपॉन 3x और ई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसका कितना होगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा, वी की पावर माइनस 2 इंटू डी वी बराबर 1/3 बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और डी एक्स अपॉन एक्स और ये प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन किससे करेंगे, ये फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन से, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी से, इस फॉर्मूले से इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एन की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखो, वी की पावर माइनस 2 प्लस में 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 बराबर 1/3 डी। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का लोग एक्स, क्या होता है 1 अपॉन एक्स का लोग एक्स, देखो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन हम लिख दिया यहाँ पर सी। तो इसको और सरल करो, कितना आएगा, ये माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 बराबर 1 अपॉन 3 लोग एक्स प्लस सी। और सरल कर लो इसको, और सरल करेंगे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन वी बराबर 1/3 लोग एक्स प्लस सी। और v की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, देखो v किसको माना था हमने, देखो ये माना था हमने v y इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज v इक्वल टू y अपॉन एक्स। क्लियर? v की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y अपॉन एक्स, तो v की वैल्यू यहाँ रख दें हम, तो कितनी आ जाएगी भाई, देखो माइनस यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन y अपॉन एक्स बराबर 1/3 लोग एक्स प्लस सी। तो एक्स ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर 1/3 लोग एक्स प्लस सी। तो ये इसका क्या कहलाता है, जनरल सोल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, जनरल सोल्यूशन। क्लियर यहाँ तक? तो इस प्रकार से हम सोल्व, तो मुझे उम्मीद है ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बेस ये क्वेश्चन था। और वहाँ पर क्या करते हैं हम, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, फिर उसका हम क्या कर लेते हैं, फिर उसका हम आवकलन कर लेंगे, तो ये आएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आता है। इस वैल्यू को हम वापस यहाँ पुट करते हैं, तो मैंने ये पुट किया, देखो ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, फिर थोड़ा सा हमें मजदूरी करनी होती है यहाँ पर ना, गुणा भाग जो भी होता है वो कर लेते हैं हम, और फिर उसका लास्ट में हम यहाँ पर इस प्रकार से इंटीग्रेशन कर देंगे ये इस फॉर्मूले से। और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है, बराबर लोग एक्स प्लस सी, इससे कर देते हैं। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि भाई सिस्टम ऑफ होमोजीनियस क्या नाम है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कर सकते हैं। थैंक यू।